रोशनी, अंधेरे में क्यों बैठी है? खुद ही रोशनी से उसकी रोशनी छीनकर उसे पूछ रही है कि अंधेरे में क्यों बैठी हो। मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखकर जन्म दिया है, अपना दूध पिलाकर तुझे बड़ा किया है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि तेरी शादी का फैसला कर सकूं? आप हक नहीं मांग रही हैं, अपने दूध की कीमत वसूल कर रही है। हक या कीमत, तुम जो भी समझो, बारात आने वाली है, तुम सुहाग का जोड़ा पहनकर नीचे आ जाना। सुहाग का जोड़ा या कफन? अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो यह सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। से पहनकर नीचे आ जाएगी तो यह सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा मां के लिए कफन बन गया। कल इम्तिहान का दिन है, एक तरफ सिकंदर दूल्हा बनकर बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी, कफन बन गया। मोहब्बत की लाज रह जाएगी। शिवे सर्वा साधके चरणे त्रिंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते ओम नमः शिवाय। हाँ जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। चुन्नू, रोशनी को लेकर आओ। धैर्य। आंटी, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मेरे आदमी से 1 मिनट में ठिकाने लगा देंगे। सूरज, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन रोशनी को साथ लेकर। शायद तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। जिंदगी प्यारी होती तो यहां मौत से खेलने नहीं आता। मैं कहती हूं रुक जाओ, वरना। वरना क्या करेंगी आप? आप मेरा सीना बारूद के एक धमाके से छल्ली कर देंगी? आपके ये कुत्ते मेरे जिस्म की बोटियां नोच खाएंगे, बस यही ना? मुझे मौत से ना डराइए, मैं सर पर कफन बांधकर ही यहाँ आया हूँ। मोहब्बत के दावे तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन हमेशा तुम्हारी हार हुई है। जिसे आपने हार समझा था वो कामयाबी की तरफ मेरा पहला कदम था, और आज मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। लाइसेंस है तुम्हारे पास? सरकार की ई पॉलिसी से हमको बहुत खटापटी है। लाइसेंस बंदूक का ना ही बंदूक चलाने वाले की हिम्मत का होना चाहिए। हाय हिम्मत तो चलाओ बंदूक, हाय हिम्मत। ये मेरी पत्नी को लेकर फट, उसकी बाप के उम्र के हो चले हो बिटिया से शादी करने। ए ननकुआ,
तू गुड़िया को लेकर जा। राम भजन सिंह आज इन सबको राम का भजन करवाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडली कक्ष मंगलाय तनो हरि। अब आप लोग उठिए और एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाइए। ठहरो। इससे पहले कि तुम अपने जीवन का सर्वनाश कर लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटी बेटी तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सांप की औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह मंगताराम का नहीं बल्कि खूनी रकाब सिंह का बेटा है। क्या वही रकाब सिंह जो मेरे पिताजी का कातिल था? हां बेटी, इसके बाप के डसने से तुम्हारी मां भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुम यतीम बना दी गई। ये झूठ है, सूरज मेरा बेटा है। गोद लेने से खून नहीं बदल जाता मंगता राम, ये तुम्हारा नहीं बल्कि खूनी रकाब सिंह का खून है, जिसने महज 500 रुपयों के लिए अपने मालिक सेठ मोहनलाल का सीना चीर दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो यह अखबार इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिता सेठ मोहनलाल का कत्ल इसके बाप रकाब सिंह ने किया था। यह फाइल गौर से देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज ही खूनी रकाब सिंह का बेटा है जिसे इस मंगताराम ने गोद लिया था। सूरज ही तुम्हारे बाप के हत्यारे का बेटा है। सूरज के बाप ने तुमसे तुम्हारे बाप को छीना है। कि क्या तुम ये चाहती हो कि मरने के बाद ही तुम्हारे पिता की आत्मा तड़पती रहे, भटकती रहे, सिसकती रहे, कोसती रहे? कैसी औलाद से बेऔलाद अच्छा था जिस खूनी ने अपने नाखूनों से तुम्हारी मां के माथे के सिंदूर को खुरच डाला? क्या उसी को तुम अपनी मां की छाती पर बिठा देना चाहती हो? बोलो बेटी, जवाब दो। क्या जवाब है मेरे सवालों का तुम्हारे पास? बोलो। जगतपाल, मैंने 14 साल से तीन का छोड़ के आशियाना बनाया था। तू हवा का झोंका बन के आया और सब कुछ बिखर के गया। कसम है मेरे बेटे की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो जान दे दूंगी, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। हाँ, यह सच है कि तू रकाब सिंह का बेटा है, लेकिन मालिक ने तुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार किया है। अठारह साल पहले की बात है, तुम्हारा बाप रकाब सिंह सेठ मोहनलाल के पास ड्राइवर था। अचानक एक दिन तुम्हारी मां की तबीयत खराब हो गई। दवाइयों के लिए रकाब सिंह के पास पैसे नहीं थे। मौ सिजुन से तुम्हारी मां को छोड़कर अस्पताल से जो गया वो वापस कभी नहीं आया। तुम्हारी मां ने भी दम तोड़ दिया। तुम अपनी मां के पास बैठकर रो रहे थे। तुम्हारी ये रोने की आवाज सेठ मंगताराम के कान में पड़ी, जिसकी पत्नी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और डॉक्टर का कहना यह था कि इस सदमे से वो मर जाएगी। उसने तुम्हें उठा लिया, पर वाहरे किस्मत सेठ जी को बेटा तो मिला लेकिन पत्नी चल बसी।
दूसरी तरफ रकाब सिंह जो अपने मालिक से पैसे उधार मांगने गया था, उस पर इल्जाम आया कि उसने सेठ जी की तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए और साथ ही साथ उनका खून भी कर दिया। सिकंदर, अब राजा बेटी की तरह इस पेपर पे साइन कर दो कि शकुंतला देवी की तमाम जायदाद जो शादी के बाद तुम्हें मिलने वाली है उसमें 50% का पार्टनर मैं भी हूं। साइन तो मैं कर दूंगा अंकल, मगर एक बात बताइए कि आप इतनी सारी दौलत किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ना तो आपके आगे कोई है ना तो कोई पीछे, यहां तक कि आपकी बीवी तक। तुम्हारे पीछे कौन है सिकंदर? तुम भी तो अकेले हो, फिर तुम। मेरे सामने तो सारी उम्र पड़ी है अंकल, पर आपका टिकट तो कभी भी कट सकता है। सिकंदर बेटे, तुम्हारे जगतपाल अंकल ने जिंदगी का बोझ कम और लाशों का बोझ ज्यादा उठाया है। एक बात और, शायद तुमने मेरी जीवन रेखा नहीं देखी, अच्छी तरह देख लो। मैं तुम्हारी लाश को कांधा देने के बाद ही मरूंगा। गुड बाय। गुड बाय अंकल, आज रात ही को तुम्हारी जीवन रेखा को खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं, अब्दुल। तुमने जिंदगी में बहुत सारी तिजोरियां तोड़ी है, लेकिन इस हराम सादे की तिजोरी में मेरी जिंदगी कह रही है। आज रात को यह काम हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें जगतपाल की जान क्यों ना लेना पड़े। ठीक है सरकार। जगतपाल, सिकंदर साहब, मैं अब्दुल बोल रहा हूं। हाँ अब्दुल बोलो, काम हो गया? काम तो मुझसे पहले कोई और कर गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तिजोरी से पेपर गायब कर गया और वकील साहब का खून भी। किसने किया खून? एक ऐसा आदमी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसका नाम है क्या? हेलो अब्दुल, बोलते क्यों नहीं? अब्दुल
जगतपाल, मेरी दुनिया में आग लगा के तू चैन की नींद सो रहा है क्यों? उठ उठ हरामजादे, ताकत है तो फिर से बोल कि सूरज मेरा बेटा नहीं है। बोल बोल, बोलता क्यों नहीं, बोल।